टेलीविजन एक्टर गौरव दीक्षित को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। गौरव को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गौरव के घर से कुछ वक्त पहले एनसीबी की रेड में एमडी ड्रग्स, चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए गए थे। गौरव की गिरफ्तारी फिल्म कलाकार एजाज खान से पूछताछ के आधार पर हुई है। आपको बता दें कि एजाज खान 31 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। एनसीबी ने एजाज को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ड्रग्स तस्कर शादाब बटाटा से पूछताछ के दौरान एजाज का नाम सामने आया था। पहले बटाटा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जांच एजेंसी ने एजाज से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को उससे पहले गिरफ्तार किया था और करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। शादाब बटाटा पर मुंबई के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। फारूक अपनी शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। उस समय वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया था और आज की तारीख में वो मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है। इस ड्रग्स की दुनिया का पूरा कामकाज अब उसके दोनों बेटों ने संभाल लिया है। वही आपको बता दें कि गौरव भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने पावर इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। बाद में गौरव ने मॉडलिंग शुरू की और अभिनेता बन गए। गौरव की गिरफ्तारी एजाज खान से पूछताछ के बाद ही हुई है। गौरव दीक्षित को फिल्मों, टीवी सीरियल्स और कई एड्स में देखा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।